अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हेयर विद ए न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लॉक एंगल ट्रिक। ये रीजनिंग का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें आपको बताऊंगा कि हम 3 से 5 सेकंड के अंदर किसी भी एंगल किस तरह निकाल सकते हैं, क्लॉक एंगल किस तरह निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि क्लॉक एंगल किसके बीच में निकाला जाता है। सपोज हमारे पास ये क्लॉक है। अब यहाँ पर एक होती है मिनट हैंड और एक होता है हावर हैंड। ये हो गया हमारे पास सपोज इसको मैं मान लेता हूँ मिनट हैंड और इसको मैं मान लेता हूँ आवर हैंड। तो इसके बीच में जो एंगल है उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, जितना फास्ट हम कैलकुलेट करेंगे इतना चांस होता है कि हम ज़्यादा ठीक क्वेश्चन करके आ पाएंगे। तो आज इसकी ट्रिक हम सीखेंगे इस वीडियोज़ में। तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहें तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह की जाती है ये कैलकुलेट एंगल। हम देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन डाल देते हैं पहले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं अगर हमारे पास टाइम है 5:05 बजने के और हम देखेंगे इसमें जो हमारे आवर हैंड है और मिनट हैंड है उसके बीच में एंगल कितना है, तो हम एंगल किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखो बिल्कुल आसान है, हमें क्या करना है, याद रखना जब मिनट जीरो हो, जब मिनट किसके बराबर हो, जीरो हो, 1, 2, 3 कुछ मिनट जीरो हो, तो हमें 5 को सीधा 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 30 150। तो हमारे पास जो एंगल होगा आवर एंड और मिनट हैंड में वो कितने का होगा, 150 डिग्री का होगा। और राइट गाइज, अगर मेरे पास एक और टाइम है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 बजे हैं और हमें देखना है कि हमारे पास जो एंड आवर है और मिनट आवर है उसमें एंगल कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, ये हमारे पास 3 बजे, तो 3 कुछ इस तरह बजते हैं आई थिंक, इसी तरह बजते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखने में तो 9 डिग्री के एंगल बनते हैं, बट हम कैलकुलेट करके देखेंगे कितने डिग्री के एंगल बनते हैं। तो हमने देखा जब मिनट हमारे पास जीरो होते हैं, जो आवर होता है उसको 30 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 3 × 30 हम करेंगे तो ये 90 बन जाता है। बिल्कुल हमारे पास एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ भी किया ग्राफिक के जरिए। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। एन टू 30 का रूल क्या है, याद रखना इसका एक ही रूल है, अगर हमारे पास जो मिनट है, मिनट हमारे पास जीरो होना चाहिए, 2 बजे 3 बजे एग्जैक्ट, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे अप टू 12 बजे तक, अगर मिनट हमारे पास जीरो रहेगा तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 4 बजे 4 बजे तो हम इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 4 × 30 करेंगे तो हम देखेंगे जो एंगल बनता है इन दोनों हैंड में, तो वो बनता है 120 डिग्री। मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बचता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था 5, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल बनता है, 5 × 30 करना है। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन तो और तरह के आ जाते हैं। अगर टाइम इस तरह की आ जाता है, फॉर एग्जांपल 3:20, तो हमें बताना है कि आवर हैंड में और मिनट हैंड में एंगल कितना बनता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला, मैं यहाँ पे वो फार्मूला लिख देता हूँ, आप उसको नोट करेंगे एंड उसी को हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला थीटा, थीटा बोले तो एंगल किसके बराबर होता है, 30 आवर - 11/2 मिनट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, इसको अप्लाई करके हम यहाँ पे कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 3:20, यहाँ पे आवर 3:20, तो क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा किसके बराबर आएगा, 30 × 2 आवर आ गया 3 - 11/2 मिनट, हम देखें तो 20 मिनट है। और राइट गाइज, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, क्या बचेगा, 30 = 33 90 - ये आ जाएगा 110। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री - 20 डिग्री। अगर आपको कभी माइनस में आ जाता है तो आप क्या करोगे, माइनस को इग्नोर करके सीधा प्लस लिखोगे, क्योंकि हमारे पास जो एंगल के बीच में, जो घड़ी के एंड के बीच में एंगल होगा वो 20 डिग्री होगा, मतलब वो प्लस एंगल ही होगा, ये आप याद रखना, ठीक है ना। एक और बात, अगर हमारा एंगल एक्सीड कर देता है 180 डिग्री को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एंगल बनता है 240 डिग्री, तो हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, 360 डिग्री - 240 डिग्री करना, जो हमारा आंसर बचेगा वही होगा, ये बात याद रखना। एक और मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलो ले लेते हैं टाइम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 5:20 हुए हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इन दोनों में एंगल कितना बनता है, फार्मूला तो हमारे पास है, 30 अपनी जगह पर रखेंगे, थीटा इक्वल टू 30 और कितना है 5 - 11/2 × 20, ऑलराइट गाइस, 2 × 10 = 20 हो गया ना, 5 × 3 = 50 150 - 110। तो अगर इसमें से निकालो तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 0 5 1s, ये आ गया 4 और ये हमारे पास 40 डिग्री एंगल बचता है, मतलब हम बोलेंगे कि 5:20 पे जो एंगल होगा मिनट एंड आवर एंड में वो होगा 40 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ पे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के आगे। मिसाल के तौर पे एक ले लेता हूँ मैं, 6:40 बचते हैं, ठीक है ना, हमें हमारे पास आवर हैंड है 6 एंड मिनट हैंड पे है 40 पे, ठीक है ना जी। अब देखते हैं दोनों में एंगल कितना बनता है, मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि मेरे पास काफ़ी टाइम बचे, या मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको अभी तक तो याद हो गया, 6:40 ले लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास थीटा किसके बराबर है, आवर क्या है 6 एंड टू
30 करना है, माइनस 11 बाई 2 इंटू यहाँ पे मिनट लिखना है 40। पहले इसको काट देते हैं, 220 जार 40 बनेगा, तो थीटा किसके बराबर है, 630 जार 80, 180 आएगा माइनस 11 टू जार 22, ये जीरो बचेगा, ठीक है ना। अब इसमें से इसको निकालो तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो इसमें से मैं इसको जीरो से जीरो निकालता हूँ तो जीरो बचता है, 12 में से 8 निकालता हूँ तो 4 बचता है, तो ये बचता है कुछ माइनस 40 डिग्री। तो मैंने कहा कि आपको माइनस इग्नोर करता है तो आपको प्लस लेना, तो ये प्लस 40 डिग्री हमारे पास एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ आया होगा कि ये ट्रिक किस तरह काम करती है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बजा है 8 बजकर, सपोज 8 बजकर हम बोलेंगे 30 मिनट, ठीक है ना। 30 नहीं लेते हम, ले लेते हैं थोड़ा डिफिकल्ट ले लेते हैं इस बार, 8 बजकर मैं सीधा ले लेता हूँ 20 ले लेता हूँ, क्योंकि आसानी हो जाएगा काटने में। देखो थीटा किसके बराबर है, मिनट याद रखना पहले लगा आवर, 8 इंटू 30 माइनस 11 बाई 2 इंटू 20, थीटा बराबर होता है आवर इंटू 30 माइनस 11 बाई 2 इंटू मिनट। ये हमें फार्मूला ये रट के रखना, याद रखना, ठीक है ना। देखते हैं किसके बराबर आएगा, 8 3 जार 24, 0 कैरी, 2 1 जार 2, 10 10 जार 20, तो ये 1 1 10 आ गया हमारे पास। अब निकालते हैं इसमें से, 0 में से गया 0, 4 में से 1 बाकी 3, 2 में से 1 बाकी 1, तो 130 डिग्री हमारे पास एंगल बन गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको तो मजा आ रहा होगा, बस ये क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, जितना जल्दी आप करोगे इतने जल्दी आपके चांसेस बने रहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ले लेते हैं 9 बजकर अगर हम 20 मिनट ले लेते हैं, तो इन दोनों में कितना एंगल होगा हमें देखना है कि अवर एंड में। चलो मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ, ये हमारे पास क्लॉक है, देखो 9 बजते हैं यहाँ पे और 20 बजते हैं नियर अबाउट यहाँ पे, तो हमें देखना है दोनों में एंगल कितना बनता है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, बट यू हैव टू एडजस्ट। देखते हैं अब इसमें एंगल कितना बनता है, देखो थीटा हमारे पास आएगा 9 इंटू 30 माइनस 11 बाई 2 इंटू 20, हमने फार्मूला अप्लाई किया सीधा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, हम 9 2 जा 270 माइनस 270 माइनस 1 1 10। ऑलराइट गाइस, आप देखो 0 से 0, 7 में से 1 बाकी, 6 2 में से 1 बाकी 1, तो 160 डिग्री हमारे पास क्या बन गया, एंगल बन गया। अब लास्ट पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आ जाता है एंगल, हमारे पास कोई भी एंगल आया 320 डिग्री आया, तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री से, याद रखना। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से वो एंगल निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ 40 डिग्री बचेगा, ये बात याद रखना। एक और ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास आता है 300 डिग्री, एंगल बन जाता है कोई भी, देखो ये जो 180 से बड़ा होता है ना, सपोज अगर 180 से कुछ बड़ा एंगल बनता है तो वो हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, देखो सपोज हमारे पास ये क्लॉक है, राइट, सपोज ये हमारे पास क्या है, क्लॉक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मैं ले लेता हूँ ये मिनट हैंड ले लेता हूँ, और इसका ये आवर हैंड ले लेता हूँ, और मैं इसका ये मिनट हैंड ले लेता हूँ, हो गया गाइस। अब ये जो एंगल बनेगा ना, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, ये 180 से कम होगा, ठीक है ना। और अगर ये वाला एंगल हम देखेंगे तो ये एक्सटीरियर होगा, और ये ऑलवेज 180 से ग्रेटर होगा, याद रखना 180 से ग्रेटर देन होगा, और ये लेस देन 180 डिग्री होगा। आपको ये चीज़ें अच्छे से देखे रखनी है। अगर आपको एंगल बन जाता है फॉर एग्जाम्पल 260 डिग्री का बन जाता है, तो आपको क्या करना है, 360 में से 260 डिग्री माइनस करना है, जो आपको आंसर बचेगा वही आपका आंसर होगा, 100 डिग्री ये बच गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।